जय हिंद दोस्तों, रश्मि के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाली एक डिश, पनीर कढ़ाई। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे घर पर बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर के टुकड़े लिए हैं, 2 टमाटर को बारीक काट कर लिया है, 1 प्याज के इस तरह से पनीर जैसे ही स्क्वायर टुकड़े हमें चाहिए, और 1 शिमला मिर्च के भी इसी तरह से टुकड़े करके लिए है। ये 2 चम्मच लहसुन को बारीक काट के लिया है और 1 चम्मच अदरक को कद्दूकस करके लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। 4 चम्मच तेल मैंने यहाँ पर गरम किया है, उसमें पनीर के टुकड़े हम पहले भून लेंगे। इसे हल्का सुनहरा होने तक हमें भूनना है, ये देखिए इस तरह से। और अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी तेल में 2 चम्मच बटर डालें और इसे अच्छे से मिला लें। अब इसके अंदर हमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है और अदरक डालना है। अब इसे अच्छे से भून लें। लहसुन अच्छे से भून जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दें। इसे अच्छे से हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो इसमें मैं पहले आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब इसमें ये किचन किंग मसाला है, 1 चम्मच किचन किंग मसाला मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये आधा चम्मच लाल मिर्ची की पाउडर है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, और किचन किंग मसाला की जगह पर पनीर मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है और अच्छे से इसने तेल भी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये कटा हुआ प्याज डाल दिया। अब इसे ढककर हमें 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि प्याज अच्छे से हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ये तैयार है। अब इसमें शिमला मिर्च डाल दें, और शिमला मिर्च डालकर अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। आपको जितना ये पतला चाहिए उतना आप दूध डाल सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखूँगी, तो मैंने यहाँ पर आधा कप इसके अंदर दूध डाल दिया। दूध डालकर इसे चलाते रहे, नहीं तो दूध फट सकता है। अब देखिए मैंने आधा चम्मच चीनी इसके अंदर डाल दी है। चीनी की वजह से और टमाटर जो हमने डाला है उससे ये हमारी पनीर की सब्ज़ी चटपटी बनेगी। तो देखिए अब इसके अंदर मैं भुने हुए पनीर के टुकड़े डाल रही हूँ। पनीर के टुकड़े डालकर इसे अच्छे से एक बार मिला लें, और अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये पनीर कढ़ाई बिल्कुल तैयार है बनकर। अब इसे एक बार अच्छे से मिला लें। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रंग इसका आ चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसे मिलती है वैसे ही ये पनीर कढ़ाई का टेस्ट आता है। आप ज़रूर बनाकर देखिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से ये बनता है, आपने देखा ही है। बस इसके लिए ज़रूरत है किचन किंग मसाला या फिर पनीर मसाला की, तो ज़रूर बनाकर देखिए और रोटी या फिर नान के साथ इसका मज़ा ले। इसे मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट पे मिलता है उसी तरह से ये डिश दिखेगी। अब देखिए हरी मिर्ची से सजा के बिल्कुल तैयार है हमारा पनीर कढ़ाई, तो ज़रूर बनाकर देखिए। और इसी तरह से नई रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।